चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 60 से 90 मिनट का सफर मात्र 7 मिनट में होगा पूरा। देश में जल्द उड़ान भरेगी एयर टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही भविष्य में ऐसा होने वाला है कि आपको ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, जब हम ट्रैफिक के बीच में फंसते हैं तो मन में कई बार आता है कि काश ऐसी कोई टैक्सी होती, ऐसी कोई मशीन होती जो आसमान के जरिए आसानी से हमें कहीं से कहीं भी जल्दी से पहुंचा दे। आपका ये सपना अब जल्द ही सच होने वाला है। दरअसल दोस्तों, लोगों के आवागमन का आसान और सुविधाजनक रास्ता बनाने के लिए अब जल्द ही टैक्सी की भी शुरुआत हो जाएगी। इंडिगो एयरलाइन की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब और आर्चर एविएशन अब देश में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लाने की तैयारी कर रही है। इसे जल्द ही दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में चलाया जाएगा। वैसे दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के एयरक्राफ्ट में 4 यात्री सफर कर सकेंगे। सफर के लिए यात्रियों को 2000 से 3000 रुपए का किराया देना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपर्ट सेंसरशिप, पीएम अल्बानीज से भिड़े मस्क, कहा एक देश पूरी दुनिया में इंटरनेट कंट्रोल करना चाहता है। पीएम बोले, अहंकारी अरबपति। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पिछले हफ्ते हुए एक बिशप की हत्या से जुड़े कंटेंट को हाइड करने का आदेश दिया। इसके बाद कंपनी के मालिक एलन मस्क और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। कोर्ट के आदेश पर मस्क ने कहा कि आदेश का मतलब है कि कोई भी देश पूरे इंटरनेट को कंट्रोल कर सकता है। ईएसएफटी कमिश्नर के पुराने आदेश का जिक्र करते हुए मस्क ने कहा कि उन्होंने मामले से जुड़े कंटेंट को पूरी तरीके से हटाने को कहा था। वहीं दोस्तों, कमिश्नर के आदेश पर मस्क ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को टारगेट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि पूरी पृथ्वी पर उनका अधिकार क्षेत्र होना चाहिए। मस्क के बयान पर पलटवार करते हुए पीएम एंथनी अल्बानीज ने कहा कि देश इस अहंकारी अरबपति से निपटने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मसाला बैन पर भारत ने सिंगापुर, हांगकांग से डिटेल्स मांगी। दोनों देशों ने एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसालों पर बैन लगाया था। इनसे कैंसर का है खतरा। जी हां दोस्तों, एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के बैन के मामले में भारत ने सिंगापुर और हांगकांग के फूड रेगुलेटर्स यानी कि खाद्य नियामक से डिटेल्स मांगी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सिंगापुर और हांगकांग दोनों में भारतीय दूतावासों को इस मामले पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है। मिनिस्ट्री ने एमडीएच और एवरेस्ट से भी डिटेल्स मांगी है। वहीं दोस्तों, कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा कि दोनों कंपनियों के प्रोडक्ट्स के रिजेक्शन के कारणों का पता लगाया जाएगा और इनसे जुड़े एक्सपर्ट्स की चिंताओं के साथ साथ इन्हें ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए इस पर भी विचार किया जाएगा। वैसे दोस्तों, इनको ठीक करने पर विचार करने का काम कंपनी का है या फिर सरकार का, कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरान ने कश्मीर पर नहीं दिया पाकिस्तान का साथ। प्रधानमंत्री शहबाज ने गाजा से की कश्मीर की तुलना। ईरानी राष्ट्रपति ने नजरअंदाज किया। जी हां दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रहीसी ने पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर साथ नहीं दिया। दरअसल दोस्तों, रहीसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान में है। सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक के दौरान रहीसी के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया। गाजा में मौजूदा हालातों की तुलना कश्मीर से करते हुए शरीफ ने कहा कि कश्मीर के हित में आवाज उठाने के लिए मैं आपका और ईरान के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि शहबाज के बयान का ईरान के राष्ट्रपति ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने संबोधन के दौरान रईसी ने सिर्फ फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ईरान फिलिस्तीनियों के हित के लिए लड़ता रहेगा। रईसी ने कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया। कश्मीर पर ईरानी राष्ट्रपति की चुप्पी को पाकिस्तान में शहबाज के लिए अपमानजनक बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। फ्लाइट सीट सिलेक्शन को लेकर डीजीसीए ने बदले नियम। एयरलाइंस को 12 साल से कम उम्र के बच्चों को माता पिता के साथ सीट देना होगा। जी हां दोस्तों, एयरलाइंस को अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लाइट में माता पिता या अभिभावक के साथ सीट अलोकेट करना होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने इसे लेकर एक नई ट्रेवल गाइडलाइंस जारी की है। डीजीसीए ने कहा है कि अगर एक ही पीएनआर पर बच्चे और माता पिता ट्रेवल कर रहे हैं तो उन्हें सीट सिलेक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। इसके साथ ही डीजीसीए ने एयरलाइन से इसका रिकॉर्ड भी करने को कहा है। सिविल एविएशन रेगुलेटर ने यह कदम 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक के साथ नहीं बैठाने के कई मामलों के बाद उठाया। पिछले कुछ हफ्तों में कई यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसा अनुभव शेयर किया था जिसके अंदर उनके छोटे बच्चों को माता पिता से दूर बैठाया गया था। इस वजह से उन्हें यात्रा करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन की संसद ने पास किया रवांडा बिल। अवैध शरणार्थियों को वापस भेजा जाएगा अफ्रीका। मानव अधिकार संगठन बोले, ये गरीबों के साथ भेदभाव है। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की संसद ने मंगलवार को विवादित रवांडा डिपोर्टेशन बिल को पास कर दिया। इस बिल का मकसद ब्रिटेन से अफ्रीका के शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना है। इसके पास होने के बाद सरकार ब्रिटेन में रह रहे अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजना शुरू कर देगी। रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका का एक देश है। बीबीसी के मुताबिक इस बिल को 2022
तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रवांडा के साथ हुए एक समझौते के बाद लेकर आए थे। इस समझौते के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवैध शरणार्थियों के लिए 3,000 करोड़ रुपए देगी। इस रुपए से रवांडा शरणार्थियों के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था करेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सोने की कीमत में 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट, 10 ग्राम सोना 71,741 पर आया, चांदी भी 80,000 के नीचे आई। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में 23 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना यानी कि 10 ग्राम 24 कैरेट वाला सोना 1,134 रुपए सस्ता होकर 71,741 का हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 1,667 रुपए सस्ती होकर 97,887 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। डेटिंग ऐप्स यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान, पर्सनल डेटा हो सकता है लीक, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, मंगलवार को एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादातर डेटिंग ऐप्स विज्ञापन के लिए आपका निजी डेटा शेयर कर सकते हैं या बेच सकते हैं। फायरफॉक्स इंटरनेट ब्राउजर के डेवलपर मोजिला ने 25 ऐप्स की जांच की और उनमें से 22 को गोपनीयता शामिल नहीं करने के रूप में लेबल किया है, जो इनकी भाषा में सबसे कम रेटिंग है। शोधकर्ताओं ने समलैंगिक स्वामित्व वाली और संचालित लैक्स और पॉजिटिव फीडबैक दिया, जबकि हार्मोन और हैपन को ठीक ठाक रेटिंग दी। वहीं दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25% ऐप्स आपके कंटेंट के मेटा डेटा इकट्ठा करती है, जो फाइलों में जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे कि फोटो, वीडियो, कब और कहां और किस दिन लिया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादातर डेटिंग ऐप्स जैसे कि हिज, टिंडर, ओके क्यूपिड, मैच, मिलेंटी, ऑफिस, BLK और ब्लैक पीपल मीट के पास अपने यूजर्स के सटीक जियोलोकेशन डाटा तक एक्सेस है। तो दोस्तों अगर आप भी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। खत्म हो जाएगी ट्रेन में वेटिंग लिस्ट की झंझट, सभी को मिलेगा कंफर्म टिकट, रेलवे कर रही है यह काम। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि रेल यात्रा करने के दौरान किसी भी यात्री को आसानी से कंफर्म टिकट मिलेगा। वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि रेलवे की क्षमता इतनी बढ़ा दी जाएगी कि यात्रा करने वाले लगभग हर यात्री को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नोएडा का गैंगस्टर रवि काना गर्लफ्रेंड के साथ थाईलैंड से हुआ गिरफ्तार, लंबे समय से फरार था स्क्रैप माफिया। जी हां दोस्तों, ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा स्क्रैप माफिया और सरिया तस्कर रवि काना आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर रवि काना और उसकी प्रेमिका काजल झा को थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया है। अब नोएडा पुलिस दोनों को भारत लाने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल दोस्तों, नोएडा पुलिस ने रवि काना और काजल झा के खिलाफ लुक आउट और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों थाईलैंड भाग गए हैं। इसके बाद से ही नोएडा पुलिस लगातार थाईलैंड पुलिस के संपर्क में थी। गैंगस्टर रवि काना पर दुष्कर्म और गैंगस्टर की धाराओं में केस दर्ज है। नोएडा में 1 जनवरी 2024 से पुलिस रवि काना की तलाश कर रही थी। रवि काना के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन गैंगस्टर हत्या नहीं चढ़ा। इसके बाद पुलिस ने उसकी प्रेमिका काजल झा के खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही उसकी पत्नी समेत 14 अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। गैंगस्टर की पत्नी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने कोर्ट रवि काना और उसके गैंग के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने रवि काना को काले कारोबार का सरगना बताया। इसके अलावा काजल झा को इसमें बराबर का हिस्सेदार भी बताया गया।